खैरी दूसरी सदी ये पिछले से मोटी थी जब पतली करने के चक्कर में तो टूट गई यार। कोई बात नहीं यार रोटी अरे तो गिलास है क्या खा लो यार खा लो हटो हटो इतना जल्दी में कैसे सीख लो बताओ प्रकट सर तो प्रकट देखो ये हेलो हेलो एवरीवन सभी लोग बेटा कनेक्ट हो गए क्लास स्टार्ट करें जल्दी से आ जाओ सब लोग रौनक गुड आफ्टरनून बेटा। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर हो चुका है चैप्टर थर्ड का फर्स्ट लेक्चर हो चुका था ठीक है सिंथेटिक फाइबर एंड मटेरियल्स सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स का है ना जिसमें हम लोग 11th पॉइंट देखे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे इसमें देखे थे पॉलीमर क्या होता है पॉलीमराइजेशन क्या होता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड ये सब क्या होते हैं ठीक है सिंथेटिक सिल्क के बारे में हम लोगों ने जाना था जिसका नाम है रेयान ठीक है रेयान को हम लोग सिंथेटिक सिल्क भी बोलते हैं ठीक है सो ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है बेटा थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है द सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल ऑब्टेन्ड बाई जेंटल हीटिंग एंड मोल्डिंग सच दैट मोल्डेड मटेरियल कैन बी शेप्ड रिसेप्ड बाई जेंटल हीटिंग इसका मतलब समझो आप लोग है ना कोई भी सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का ब्लॉक है बेटा है ना इस तरह का आपके पास एक ब्लॉक है ठीक है अब इसने क्या इस ब्लॉक को आपने क्या किया जेंटल हीटिंग किया ठीक है जब आप जेंटल हीटिंग करोगे तो इसके शेप को आप चेंज कर सकते हो इसके शेप को आप इस तरह से बढ़ा सकते हो ठीक है इसके शेप को आप बढ़ा सकते हो इस तरह से है ना ये देखो आपका यही मटेरियल है सेम मटेरियल है बट इसके शेप को आपने चेंज कर दिया ठीक है समझ गए इसके शेप को आपने चेंज कर दिया बाई जेंटल हीटिंग से आपने क्या किया मटेरियल को इस शेप में ला दिया अब आप चाहोगे बाई जेंटल हीटिंग है ना आप और इसको हीट करके ठीक है ये तो आपका कोल्ड हो गया जब इस शेप में चेंज हो गया तो ये मान लो कोल्ड हो गया आपका है ना ये यूजेबल कोई ऐसा मतलब प्रोडक्ट है जिसको आपको कुछ ना कुछ आपके यूज़ में आ रहा है ठीक है तो अब आप चाहोगे कि इस शेप से इस शेप में लाना तो ये शेप से आ जाएगा ठीक है फिर आपका रीगेन कर लेगा आपका है ना रीगेन कर लेगा ये देखो सेम ठीक है समझ गए ना मतलब कि जैसा चाहो वैसा आप इसको बना सकते हो मोल्ड कर सकते हो ठीक है कैसे हीट करके इसको ठीक है सो थर्मोप्लास्टिक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग हीट करके इसके शेप को चेंज कर सकते हैं या फिर इसके शेप को रीगेन कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से ये थर्मोप्लास्टिक हुआ एक होता है बेटा थर्मोसेटिंग ठीक है थर्मोसेटिंग के बारे में लिखो आप लोग थर्मोसेटिंग क्या होता है सब लोग आ गए चलो
30 नंबर थर्मो सेटिंग, ठीक है, या थर्मो सेटिंग प्लास्टिक लिख लो, ठीक है। सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल लिखो, सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल ऑब्टेंड बाय जेंटल हीटिंग, जेंटल हीटिंग एंड मोल्डिंग, ठीक है। इसको भी हम लोग जेंटल हीटिंग से और मोल्डिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके शेप को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा चाहे हम लोग वैसा बना सकते हैं उस मटेरियल को। आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आपको ये मटेरियल दे दिया गया, ठीक है, अब इससे आपको क्या बनाना है, इस टाइप के मटेरियल बनाने हैं आपको, ठीक है। ये मान लो आपके हैंडल हो गया, है ना, किसी जैसे सपोज करो ये कोई फ्राई पैन है ना, तो इसके हैंडल हो गया, है ना। सो आपने इस शेप में चेंज किया, इसको इस शेप में चेंज किया इस मटेरियल से, तो कैसे किया है, हीट करके, ठीक है। कैसे किया है, हीट करके। हीट करने के बाद एक कैविटी होता है, ठीक है, उस कैविटी में उसको रख करके, कैविटी का मतलब इस साइज का कोई सॉलिड मटेरियल होगा, उसके अंदर इस ब्लॉक को डालोगे और इसको प्रेस करोगे। सो प्रेस करने के बाद इस टाइप का मटेरियल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा, कि इसको हम लोग रीजेनरेट नहीं कर सकते, मतलब रीशेप नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, हमारा वही फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अब उसको आप चेंज करोगे तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। अब उसको आप मतलब कि बेंड नहीं कर सकते हो, और उसको जैसे वो टूट गया, डैमेज हो गया है, सो डैमेज हो गया है तो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे कोई प्लास्टिक मटेरियल होता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बाल्टी है, प्लास्टिक की बाल्टी है ना, उसके अंदर होल हो गया है, सो उसका क्या करते हैं कि दूसरा प्लास्टिक को हम लोग गर्म करते हैं, है ना, हीटिंग करने के बाद उसको वहाँ पे चिपका देते हैं और वो चिपक जाता है। बट जो थर्मोसेटिंग मटेरियल होता है बेटा, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। इसको जो शेप एक बार आपने दे दिया, वही उसका फाइनल शेप रहेगा। अब उसको आप लोग मतलब रीशेप्ड नहीं कर सकते हो, वापस दूसरे शेप में उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिखो इसको, मटेरियल कैन नॉट बी रीशेप्ड, लिखो मटेरियल cannot be reshaped by gentle heating, ठीक है। इसको हम लोग रिशेप नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपके 13 नंबर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो है वो कितने टाइप का होता है। सो हमने आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा रेयन के बारे में बताया था, है ना। रेयन क्या होता है बेटा,
आर्टिफिशियल सिल्क होता है, ठीक है। सो फर्स्ट लिखो रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। इसके अंदर लिखो द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयॉन इज प्योर कॉटन और वुड सेलुलोज, इज प्योर कॉटन और वुड, ठीक है। देखो जो हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं, है ना, आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं बेटा, जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, प्योर कॉटन होता है या फिर वुड सेलुलोज होता है, ठीक है। रॉ कॉटन और वुड सेलुलोज हम लोग बनाते हैं क्या, रेयॉन। रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, रेयॉन इज समटाइम्स रीजनरेटेड फाइबर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रीजनरेटेड फाइबर, है ना। रीजनरेटेड फाइबर मतलब क्यों इसको रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं, क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। ये नेचुरल फाइबर को मॉडिफाई करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। नेचुरल फाइबर तो आपको पता ही होगा, जो नेचर से मिलता है, नेचर से बाय प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो जो हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं बेटा, सिल्क बनाते हैं, जिसको हम लोग रेयॉन बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। नोट करो इतना, ऊपर तो लिख लिए होंगे आप लोग, तो मैं ऊपर ड्रॉप करता हूँ। इससे आगे लिखो हाउएवर However, for all the practical purpose, for all the
practical purpose, it is included into man-made fiber. ठीक है, अब इसका लिखो यूजेस। यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। इस जो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, या रेयॉन है, उसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। रेयॉन फिलामेंट आर ब्लेंडेड, लिखो रेयॉन फिलामेंट्स आर रेयॉन फिलामेंट्स रेयॉन फिलामेंट्स आर वूल ब्लेंडेड रेयॉन फिलामेंट्स वूल ब्लेंडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, है ना। इसको हम लोग जो रेयॉन फिलामेंट होता है ना, जो मतलब रेयॉन फिलामेंट का मतलब जो रेयॉन का जो यार्न होता है बेटा, यार्न है ना, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, उल के साथ उसको मिक्स करके, ब्लेंडेड करके हम लोग क्या बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है। इधर नीचे रब कर रहा हूँ, लिखो इसको सेकेंड। रेयॉन फिलामेंट आर ब्लेंडेड विद कॉटन फिलामेंट्स आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की cloth which is used cloth which is used to making bed sheets, which is used to making bed sheets. Next, थर्ड यूजेस लिखो। लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयॉन
लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयन आर यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड ऑटोमोबाइल्स टायर आर यूज्ड फॉर reinforced automobile tires. ठीक है, देखो जो लॉन्ग फिलामेंट होता है इसमें, जो मतलब इसका लॉन्ग लॉन्ग यार्न होता है, उसको क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं. जैसे सपोज करो कैसे होता है बेटा, देखो इस तरह से कोई कैविटी होता है ना, इस तरह से कोई कैविटी होता है. अब ये बेटा ये टायर का शेप लेता है, किसका शेप लेता है, टायर का. इसके अंदर हम लोग इंजेक्ट करते हैं इस टाइप के मटेरियल, जो लॉन्ग फिलामेंट है ना, रेयन का जो लॉन्ग फिलामेंट है, इसको हम लोग इस तरह से ब्लेंडेड करते हैं, इस तरह से है ना, मिक्स करते हैं. और मिक्स करने के बाद बहुत सारे मटेरियल इसके अंदर मिक्स होता है, और मिक्स करने के बाद मतलब उसके अंदर सिल्क भी यूज़ होता है काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेंथ में मतलब इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होता है. ठीक है, तो इसके अंदर यूज़ करते हैं है ना, और यूज़ करने से क्या बनता है, ये टायर बनता है. ठीक है, टायर्स बनते हैं है ना ऑटोमोबाइल के. सो इसके तीन यूजेस हैं. अब हम लोग नायलॉन के बारे में देखते हैं, नायलॉन क्या होता है. ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले से मैं बताया हूँ, नायलॉन के बारे में लिखो. ठीक है, नायलॉन क्या होता है, द नायलॉन फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग चेन. द नायलॉन फाइबर्स आर consist of long chain of polyamide molecule. ठीक है, ये पॉलीअमाउड, ये लॉन्ग चेन होता है ना, किसका, पॉलीअमाइड मॉलिक्यूल का. द नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक, द नायलॉन फाइबर आर इलास्टिक, द नायलॉन फाइबर इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंस. ठीक है, द नायलॉन फाइबर इलास्टिक स्ट्रॉन्ग एंड वाटर रेजिस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये क्या होता है बेटा, ये पॉलीअमाइड जो मॉलिक्यूल होता है उसके लॉन्ग चेन से बनता है ना, इस तरह से, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही होगा, हम तो आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं है ना, इस तरह से बहुत सारे एक साथ कंबाइंड होते हैं. ठीक है, अब देखो ये जो नायलॉन होता है ये स्ट्रांग होता है ना, इलास्टिक होता है, इसलिए इलास्टिक का मतलब स्ट्रेचेबल होता है. जैसे
कि अब आप उसको स्ट्रेच करोगे मतलब इधर फोर्स लगा खींचोगे उसको, तो अगर उसको छोड़ोगे तो वापस अपने रीगेन कर लेता है, अपना शेप रीगेन कर लेता है। ठीक है, जैसा है वह, जैसा है वो वैसा ही हो जाता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत भी काफ़ी होता है, और वाटर रेजिस्टेंस होता है। मतलब वाटर रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि अगर सपोज करो कोई रेयन का मटेरियल है, ठीक है, उसके अंदर से पानी पास नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। जैसे आपने अम्ब्रेला बाहर लेकर जाते हो, तो बाहर लेकर जाते हो तो क्या उसके अंदर वाटर नीचे गिरता है, नहीं गिरता है ना। तो इस तरह से वो क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। इसका भी लिख लो यूजेस, यूजेस ऑफ नाइलोन, इसको अच्छे से लिखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। यूजेस ऑफ नाइलोन, फर्स्ट लिखो, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लॉथ, it is used for making fabric for clothes and पैरासूट्स। ठीक है बेटा, नाइलोन जो होता है ना पैरासूट उससे बनता है, है ना। नाइलोन के फैब्रिक्स भी बनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं लोग वो भी बनता है, पैरासूट्स भी बनता है। क्योंकि देखो जब पैरासूट्स हम लोग देखो क्या पैरासूट जो होता है उसका जो आप उसका जो फैब्रिक्स देखोगे तो काफ़ी स्ट्रांग होगा वो, और वो उसके अंदर एयर भी पास नहीं करता है। एयर पास करेगा तो फिर वो आपको कैसे होल्ड करेगा ऊपर की तरफ, नहीं करेगा ना। तो कैसा होता है वो, एयर रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद उसके अंदर से एयर भी पास नहीं होता है और उसके अंदर वाटर भी पास नहीं होता है। ठीक है, नोट करो इसको, इसीलिए इसको पैरासूट्स बनाते हैं ना, काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। तो सबसे अच्छा मटेरियल नाइलोन ही है, नाइलोन है जो हम लोग पैरासूट जी से बना सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट फर्स्ट यूजेस है, सेकंड यूजेस लिखो, it is used for making stockings on coconut, it is used for making stockings on कोकोनट ऑफ इट्स हाई इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे इसके अंदर बेटा क्या होता है, जो कोकोनट जिसके अंदर रखते हैं ना, कोकोनट जिसे आप लोग पोटैटो रखते हो, है ना, तो किस में रखते हो, कट्टे में रखते हो ना, तो उसी तरह से इसका भी
कट्टा बनता है, ठीक है, कोकोनट का। क्यों? क्योंकि इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब फ्लैक्सिबल होता है, समझ रहे हैं ना, फ्लैक्सिबल होता है। आप उसके अंदर बहुत सारा डाल सकते हो, बट जब आप उसके अंदर कोकोनट हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा रिमूव हो करके, समझ गए ना। तो इलास्टिक मतलब वो एक तरह से स्ट्रेचेबल होता है काफ़ी, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। थर्ड नंबर लिखो, it is used for making ropes for rock climbing and फिशिंग नेट्स। ठीक है बेटा, जो हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, रस्सी को पहाड़ के ऊपर फंसा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से हम लोग चढ़ते जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, या फिर आप लोगों को देखा होगा जो हेलीकॉप्टर से आर्मीज़ नीचे आती है ना, रोप को पकड़ करके। वो रोप जो होता है बेटा वो नायलॉन का ही बना होता है। अब जो फिशेस को पकड़ने के लिए जो उसके लिए नेट बनाए जाते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं, क्योंकि काफ़ी नायलॉन जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, समझ गए। फोर्थ नंबर, इट इज यूज फॉर मेकिंग टूथब्रशेस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूथ ब्रशेस कॉम्ब एक्सेट्रा। ठीक है, लास्ट इसका पॉइंट है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन्स, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन्स, इट इज यूज मशीन्स सच एज वॉशर्स, वॉशर्स एंड पुलीज। ठीक है, पुलीज। जो पुलिस होती है ना, पुलिस वॉशर्स, आपको बताते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। देखो जैसे ये सीट हो गया है ना, सीट, तो इसमें बहुत सारे होल होते हैं बेटा, है ना, इसके अंदर होल होते हैं। अब इसके होल के अंदर हम लोग नट बोल्ट फिट करते हैं, ठीक है, इसके स्क्रू कसते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, नट बोल्ट फिक्स करते हैं।
तो जब फिक्स कर रहे होते हैं तो ये चूंकि मेटल का चीज़ है ना, मेटल का है ये, मेटल का है, सो इसके एक हम लोग क्या बनाते हैं, इसका वॉशर, ठीक है। अब वॉशर लगा करके फिर हम लोग इस दूसरा जो दूसरा लेयर है ना, जो दूसरा लेयर है फिर इसके ऊपर हम लोग चिपकाते हैं ऐसे, और फिर नट बोल्ट से इसको कस देते हैं। तो ये बेटा ये जो बीच का पार्ट होता है ना, ये बीच का, इसको वॉशर बोलते हैं, है ना। ये वॉशर होता है, ये कैसा होता है, ये किस टाइप का होता है, ये नायलोन का होता है ना। क्या होता है, नायलोन का, रबर का होता है। एक्चुअली वो नायलोन है, रबर की तरह होता है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, लीकेज नहीं होता। जैसे इसके अंदर पानी, आप इस पाइप के अंदर आप पानी भरोगे, है ना, इस पाइप के अंदर अगर पानी भरोगे तो लीकेज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बहुत सारे मतलब ये यूजेज हैं आपके, किसके, नाइलॉन के, ठीक है। चलो इसको लिखो जल्दी से, अब हम लोग इस्टर के बारे में पढ़ते हैं, इस्टर, ठीक है। पॉलीस्टर कहाँ से मिलके बनता है बेटा, इस्टर से, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलीस्टर, इस्टर जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। सो इस्टर के बारे में लिखो, इस्टर आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन इस्टर आर द कंपाउंड इस्टर आर द कंपाउंड फाउंड वेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड, ठीक है, सच एज एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड, the ester have fruity smell. इसका स्मेल जो होता है बेटा फ्रूटी होता है ना, मतलब आपको बैड स्मेल नहीं आएगा, ठीक है, फ्रूट्स के टाइप का आएगा, है ना, ईस्टर्स, ठीक है। द ईस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीस्टर, ठीक है। द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म एस्टर। जो ईस्टर मॉलिक्यूल है बेटा, जो ईस्टर मॉलिक्यूल बहुत सारे जो ईस्टर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना,
उसका पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब एक से ज़्यादा एस्टर मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पॉलीस्टर बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका शेप किसी भी शेप में हो सकता है ना, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिलीन के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सो आप लोग अच्छे से इसको लिखते रहना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ऊपर अप कर दूं, टेरिलीन टेरिलीन दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजिंग द दीज दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाई दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजिंग द पॉलीमराइजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड एंड इथिन ग्लाइकोल, पॉलीमराइजिंग पॉलीमराइजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड थैलिक बेटा पी साइलेंट रहता है यहाँ पे, है ना, थैलिक एसिड एंड इथिन ग्लाइकॉल इथिन ग्लाइकॉल। ठीक है, टेरिलीन फिलामेंट आर सिमिलर टेरिनिल फिलामेंट आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन than नाइलॉन। ठीक है, जो इसके फिलामेंट होते हैं, है ना, टेरिलीन के जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसके, नाइलॉन के, बट इसके सुपीरियर क्वालिटी होते हैं किसके, टेरिलीन, टेरिलीन इनसे काफ़ी कॉस्टली भी होता है ना, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है, अब लिखो यूजेज ऑफ टेरिलीन, यूजेज ऑफ टेरिलीन।
फॉर मेकिंग शर्ट्स ट्राउजर्स trousers and other dress material. Dress material, ठीक है. इससे हम लोग क्या बनाते हैं, शर्ट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, और भी सारे बहुत टाइप के ड्रेस मटेरियल इससे हम लोग बनाते हैं, ठीक है. किससे? टेरिलिन से. अब टेरिलिन कैसे बनाते हैं इसको, इसका आप लोग नाम, ये तो बेटा साइंटिफिक नेम है ना, टेरिलिन जो है वो साइंटिफिक नेम है. इसका पॉपुलर नेम जो आप लोग मार्केट में जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा, द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई द फैब्रिक The fabric are sold by trade names of Polycut, है ना. इसको हम लोग Polycut से हम लोग जानते हैं, और Terricot भी बोल सकते हैं इसको, Polycut भी बोल सकते हैं, टेरिकॉट और पॉली कट, है ना. टेरिकॉट और पॉली कट भी इससे हम लोग बोल सकते हैं. पॉली कट नहीं, पॉली कट तो वही चीज़ हो गया, पॉली वुल लिख लो, है ना, पॉली वुल. ठीक है. जब आप इसको मार्केट में परचेज करने जाओगे तो इसका ट्रेड नेम, मतलब पहचाना हुआ नेम है इसका, है ना, पॉलीकट, टेरिकॉट, प्लाईवुड, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टेरिकॉट और पॉलीकॉट आर आर ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर ऑफ कॉटन एंड ठीक है. जो टेरिकॉट होता है बेटा, टेरिकॉट और पॉलीकॉट जो होता है ना, टेरिकॉट और पॉलीकॉट दोनों एक ही चीज़ है. वो कैसे बनता है, वो कॉटन और पॉलिस्टर को जब मिक्स करते हैं, कॉटन और पॉलिस्टर को हम लोग जब मिक्स करते हैं सो उसके साथ क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीवुल और टेरीवुल टेरीवुल भी वही है, ठीक है, और पॉलीवुल भी वही है, आर ब्लेंड ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर आर ब्लेंड ऑफ वूल एंड पॉलिस्टर ठीक है. वूल एंड पॉलिस्टर से क्या बनता है, पॉलीवुल और टेरीवुल, और टेरिकॉट और पॉलीकॉट किससे बनता है, कॉटन और पॉलिस्टर से. कॉटन और पॉलिस्टर से क्या बनता है, टेरिकॉट बनता है और पॉलीकॉट बनता है.
वुल और पॉलिस्टर से क्या बनता है बेटा? पॉलीवुल और टेरी वुल, ठीक है। सो इसके पर्पज़ है और यूजेस है। और इसको लिख लो एक और चीज़, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फायर हाउसेस एंड कन्वेयर बेल्ट। फायर हाउसेस एंड कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट बेटा होता है जैसे सपोज करो ये देखो, ये कन्वेयर बेल्ट होता है जैसे कि मतलब आपको कोई चीज़ एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना होता है, कोई प्रोडक्ट होता है। जैसे जब ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में जाओगे तो गाड़ियों की जो असेंबली होती है वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही होती है, मतलब एक जगह पे एक जगह फिक्स कर देते हैं और वो बेल्ट क्या करता है मतलब वो कन्वेयर के साथ वो चलता जाता है, फिर वहाँ कुछ सामान ऐड करते हैं, फिर वहाँ से निकलता है और पीछे से एक तरह से बेल्ट पे वो है ना, मतलब एक कन्वेयर पे चलता जाता है। और वो कन्वेयर को कौन चलाता है? कन्वेयर बेल्ट चलाता है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह के लगे होते हैं, सॉफ्ट लगे होते हैं, है ना, इस तरह से सॉफ्ट लगे होते हैं। और यहाँ पे ये सपोज करो ये वियरिंग होता है ना, ये वियरिंग मान लो मतलब कोई भी व्हील होता है, ठीक है। और व्हील इसके साथ ये आपके ये बेल्ट होते हैं बेटा, ये बेल्ट होते हैं, है ना। सो कन्वेयर बेल्ट बनाने के काम में भी आता है, ठीक है। टेरिलिन नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। आज का लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सो नोट करो इसको जल्दी से। चलो हम लोग पढ़ते हैं बेटा, पॉलीथीन टेट्राथलेट PET, ठीक है। देखो पॉलीथीन पॉलीथीन ये बेटा ये बीच में पॉलीथीन टेट्रा टेट्राथलेट है ना, PH साइलेंट है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PET, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक फाइबर होता है ना, सिंथेटिक फाइबर होता है जिसको हम लोग क्लॉथ बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके खासियत है बेटा, इसका एक खासियत है कि सपोज करो कि आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग कपड़े को वॉश करते हैं सो उसके अंदर क्या आ जाती है, झुर्रियाँ आने लगती है ना, वो सिकुड़ जाते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे ये जो कपड़ा है, ये जो फैब्रिक है पॉलीथीन टेट्राथलेट PET का, जो PET मटीरियल का जो फैब्रिक्स बना हुआ है उसमें ऐसा नहीं होगा, है ना,
क्या उसके अंदर ऐसे मतलब जो सिकुड़ापन आ जाता है ना कपड़ों में वॉश करने के बाद, सो उस टाइप के इसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, सो इसके यूजेस लिखो। फर्स्ट यूजेस है लार्जली यूज्ड इन मेकिंग, लार्जली यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, लार्जली यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक क्लोथ्स, दिस क्लोथ्स हैव अ crease and are easy to wash. इसको हम लोग ईजिली वॉश कर सकते हैं और इसके अंदर परमानेंट क्रीज, जो एक बार जिस टाइप का बन गया वैसा ही हमेशा रहेगा, है ना, कोई उसके अंदर स्ट्रेचिंग नहीं आएगी या किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, वॉश करने के बाद। ठीक है, सेकेंड नंबर इट इज़ यूज टू मेक, इट इज यूज्ड टू मेक, इट इज यूज टू मेक कंटेनर फॉर पैकिंग, कंटेनर फॉर पैकिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंटेनर बनाने में, यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, फूड और सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ आप लोगों को और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों को लर्न करना चूँकि आपके लिए बिल्कुल ये नई चीज़ है सब, कोई टेंशन नहीं, एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देखोगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ यूज्ड इन, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक टेप, it is used in making magnetic tapes used in audio and video cassette recorder, making magnet tapes and used in audio and video cassette, recorders, ठीक है, इसको ऑडियो और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बनाने के काम में लिया जाता है, किसको, पॉलीथीन टेट्राथलेट को, काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल है ना, इससे क्या बनता है बेटा, क्लोथ भी बनता है, ठीक है, और इसके क्लोथ में परमानेंट क्रीज होता है, मतलब उसके अंदर सिकुड़ापन नहीं आता है, आपको उसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ईजिली वॉश कर सकते हो और इसके अंदर जो गंदगी रहेगी वो आसानी के साथ हट जाएंगी। ठीक है,
सो ये और भी यूज, मैग्नेट टेप बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, है ना, और ऑडियो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप लोग इसको ज़रूर लर्न करना, जितना हमने आज लिखवा दिया है उसको लर्न ज़रूर करना, क्योंकि आप लर्न नहीं करोगे तो आपके ऊपर जो लोड है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सो आप लोग लर्न करते रहो इसको साथ साथ। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।